लेसन हुआ हमारा। और मदन की गाय, गाय कैसे इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हम पढ़े। तो आज एक नई प्राणी के बारे में हम सीखेंगे, जो उसका नाम है मछली। तो मछली कहाँ रहता है बच्चों? पानी में रहता है ना। आप मछलियाँ देखे भी हैं, छोटे छोटे भी मछलियाँ देखे हैं, बड़े बड़े मछलियाँ समुन्द्र में रहते हैं, वो भी आपने टीवी पर देखे होंगे, ज्योग्राफिक चैनल देखो, तरह तरह के मछलियाँ वहाँ पर दिखाते हैं बच्चों। तो आज हम पार्ट 6 मछली प्राणी का गीत पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 97 निकालो, पेज नंबर 97। पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में इसका अर्थ मैं समझाती हूँ। अच्छा बच्चों, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तिरक तिरक कर जाती है, बिना पानी मर जाती है, रंग बिरंगी मछली है, मटक मटक कर जाती है, शीशे के अंदर पानी है, मछली जल की रानी है। तो मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। जल पानी सभी एक ही चीज का नाम, जल पानी ये सब वाटर का हिंदी का नाम। जीवन उसका पानी है, तो उसका जीवन पानी में रहता है ना, तो पानी ही उसका जीवन है। पानी से बाहर निकाले तो वो मर जाता है ना, मछली मरता है कि नहीं पानी से बाहर निकलाए तो। हमको भी हवा चाहिए, हम बिना हवा हम भी मरते हैं बच्चों। हम पानी के बगैर 2-3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर 1 मिनट भी हम नहीं रह सकते। इसलिए हमें हवा कैसी जरूरत है ना, वैसे ही पानी मछली को भी बहुत जरूरत है। तिरक तिरक कर जाती है, कैसी जाती है वो? ऐसे 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 तिरक तिरक कर, उल्टा पुल्टा ऐसे 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 घूम कर जाती है, बिना पानी मर जाती है। पानी से बाहर निकाल जाए तो वो मरती है। रंग बिरंगी मछली, मछलियाँ बहुत रंग तरह के होते हैं। कौन से रंग आपने देखे हैं मछली को? काला रंग, पीला रंग और यस केसरिया रंग और लाल रंग, सभी तरह तरह के मछलियाँ होते हैं। नहीं तो 2-3 रंग का मिक्स करके भी मछलियां रहते हैं बच्चों। आप देखो डिस्कवरी चैनल, इसलिए बोल रही हूँ मैं, डिस्कवरी चैनल देखो, वहां पर हम मछलियां बहुत रंग बिरंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के फिशेस व्या सी। मटक मटक कर जाती है, मटक मटक कर यानी ऐसे धूम धगा कर। शीशे के अंदर पानी में, तो समुन्दर नदी पर रहने वाले पानी मछली को हम घर में भी रखते हैं। कैसे? एक शीशे के अंदर, वो हमें भी दिखाई चाहिए, वैसे हम रखते हैं, पालते हैं हम घर में। मछली जल की रानी है, तो ये है एक मछली का राइम। तो बच्चों ये हुआ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तिरक तिरक कर जाती है, बिना पानी मर जाती है। रंग बिरंगी मछली है, मटक मटक कर जाती है, शीशे के अंदर पानी है, मछली जल की रानी है। तो आपको क्या करना है बच्चों? इस कविता को, इस राइम को 3 बार पढ़ना है और अपनी फेसबुक में इस कविता को लिखना है। तो अपनी फेसबुक में इस कविता को लिखने के बाद शब्द लिखना है। पहला मछली, दूसरा जीवन, तीसरा पानी,
नेक्स्ट तिरक। नेक्स्ट मरना। नेक्स्ट रंग। नेक्स्ट मटक। शीशा। नेक्स्ट जल। रानी। अंदर तो ये है कठिन शब्द। अपने अपने फेसबुक में कॉपी करो बच्चों। नेक्स्ट टर्न द पेज। अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे आपको दिया गया है जो नीचे दिए गए पशु कहाँ रहते हैं, तो उन ब्लॉक में एक ब्लॉक एक टेबल दिया गया है, उन टेबल में पानी घर जंगल ऐसा दिया है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और नाम को पहचान कर आप वो घर में रहता है पानी में रहता है जंगल में रहता है आपको टिक करना है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखा के दिखाती हूँ, आपने इस शब्द को लिखा है मैं समझती हूँ। नेक्स्ट पानी घर जंगल। तो पहला मछली कहां पे रहता है, पानी। दूसरा सियार जंगल में रहता है। बिल्ली, बिल्ली घर का पालतू जानवर है तो घर। आदमी, आदमी कहां रहता है, घर में रहता है ना। कछुआ, कछुआ पानी में रहता है। मोर, मोर जंगल में रहता है। मगरमच्छ पानी में रहता है। गाय घर में, गाय घर में रहता है। बैल घर में। अजगर जंगल में। तो आपको मालूम हो गया मैं समझती हूँ। आपको मालूम नहीं हुआ तो आप अपने माता पिता को पूछकर इस टेबल को कंप्लीट करो बच्चों। नेक्स्ट चित्र देखकर वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, सो उस चित्र को देखकर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। वाक्य बनाओ, वाक्य बनाना यानी सेंटेंस रचना करना। वाक्य बनाओ। पहला मछली, एक कौन सी पिक्चर है मछली का, तो मछली के बारे में एक वाक्य बनाओ। मछली, मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। नेक्स्ट और एक वाक्य
वाक्य बना और मछली का ही, मछली का एक वाक्य हुआ। यहाँ पर दो दो लाइन दिए गए हैं, आपको एक और सेंटेंस बनाना है। तो रंग बिरंगी मछलियां रहते हैं, रंग बिरंगी मछलियां होते हैं। नेक्स्ट दूसरा, सेकेंड वन क्या है? पानी। तो पानी, पानी बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। और एक पानी का शब्द आप ही को बनाना है बच्चों। पहले का दो में बना की छोड़ी, आपको एक और पानी का आपको ही लिखना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, अपनी माता पिता के सहायता लेकर इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट तीसरा चित्र कौन सा है? तैरना। तो कौन तैर रहे हैं? लड़के, लड़के पानी में तैर रहे हैं। तीसरा, लड़के पानी में तैर रहे हैं। नेक्स्ट और एक वाक्य बनाओ। लड़के पानी में मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसे आपको लिख सकते हैं। और एक वाक्य आप ही को करना है, दिस इज फॉर होमवर्क। अंडरस्टूड? यस। तो ये है आज का पार्ट। आपको होमवर्क क्या है? आपको होमवर्क पहला कविता लिखना है, दूसरा शब्द लिखना है और अभ्यास करना है। समझिए बच्चों? यस। तो आपको घर में बैठकर अपनी कविता 3 या 5 बार आपको लिखना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं आपको मिलूंगी। हैव ए गुड डे। थैंक यू।